हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयप्रकाश है। एसपी कंस्ट्रक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी कुछ नया सीख लेंगे। जैसे कि आप घर बना रहे हैं, छत लगाने वाले हैं, लिंटर में आप सलिया प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सलिया प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे गलती क्या की गई है कि आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। कि जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बीम डाला गया है, अभी इसका हम डिस्टेंस के बात करेंगे। तो डिस्टेंस इसका कॉलम टू कॉलम अंदर अंदर 14 फुट है। 14 फुट डिस्टेंस होने के बाद एक साइड जो कॉलम टू कॉलम बीम है, यहाँ देख सकते हैं बारीकी से, कॉलम टू कॉलम बीम पे 16 का 4 बार और 12 का 2 बार 6 बार दिया गया है। ये कॉलम पे है। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि जो कॉलम से हटके बीम है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 12 का टोटल 6 नग दिया गया है। कि जो ये कॉलम से बाहर है, तो इसमें 12 का बार दिया गया है, जो कॉलम टू कॉलम है उसमें 16 का बार दिया गया है। ऐसे आपके यहाँ भी कारीगर गलती करते रहेंगे और आप उसको शाबाशी करते रहेंगे, हाँ बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। तो दोस्तों, ऐसे गलती करने वाले को आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इस गलती के कारण से आपका आने वाले समय में छत में प्रॉब्लम आ सकता है और छत आपका सरक सकता है और आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बाजू में बने बेल आइकन की घंटी दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, कभी भी जब आप छत बनवा रहे हैं, आपके पास ड्राइंग नहीं है, स्टील का डिजाइन नहीं है, तो ये ध्यान रखते हैं। जैसे आप यहाँ ड्राइंग देख रहे हैं, तो ड्राइंग में हमारा डिस्टेंस जो है, ये हमारा रूम बाय रूम का डिस्टेंस बताऊंगा। तो रूम बाय रूम का डिस्टेंस है टोटल 20 फुट और ऐसा हमारा 10 फुट 9 इंची है। तो 10 फुट 9 इंची है और ऐसा 20 फुट है, तो 10 फुट 10 इंची में आप अगर नीचे ब्रिक वर्क नहीं है तो आप बॉटम में 12 mm का 3 पीस और टॉप में 10 mm का 2 पीस यूज कर सकते हैं। लाइट स्टील आपको कोई भी प्रॉब्लम बीम में नहीं होता है। साइज मिनिमम आपको 9x12 का आपको लेना है, बीम की साइज 9x12 को। और ये जो 20 फुट की डिस्टेंस है, इसमें भी बीम की साइज मिनिमम आप 9x18 ले सकते हैं, नहीं तो 9x21 ले सकते हैं। दो साइज इसमें बीम की हमारा डिप्ट बैठता है, तो जो साइज आपको सूटेबल लगे वो साइज आप ले सकते हैं। स्टील बार की बात करते हैं, अगर आप 20 mm का नहीं यूज करते हैं, 16 mm का यूज करते हैं, तो बॉटम में 3 बार और टॉप में 2 बार और L/4 से दोनों बाजू 16 का कटेल आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा नुकसान होने की संभव नहीं होगा और आपका लोडिंग भी नहीं बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से आपको स्टील डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो 10 फुट है वो भी, जो 8 फुट है वो भी, जो 7 फुट है वो भी, जो 15 फुट है वो भी, जो 20 फुट है वो भी। तो जितना भी फुट का रहने दीजिए, लेकिन हर जगह 16 का 4 पीस 12 का 2 पीस यूज किया गया है। इससे बहुत बड़ा आपको जोखिम उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि कंटेक्शन जब हम करते हैं तो लोड कैपेसिटी भी कॉलम के हिसाब से दिया जाता है। आप अगर खाने का 2 रोटी है और खाएंगे 4 रोटी तो आपका पेट फट जाएगा, तो ध्यान रखें। तो ऐसा ही हमारा कंटेक्शन में स्लाब बांधते टाइम, जुड़ाई टाइम, आपको जितना उसका खुराक स्टील के मांग रहा है उतना ही दीजिए, कि जो उसे कैपेसिटी लग रहा है। और आप कैपेसिटी से बाहर देंगे तो ओवरड्यू हो जाएगा, ओवरड्यू हो जाएगा तो आपका कंटेक्शन जो रहेगा वो फेलोअर हो जाएगा और उसके बाद आपका स्लाब भी वीक हो जाएगा। स्लाब वीक होता है क्यों, इसी कारण होता है कि लोड ज़्यादा देने के ही कारण से होता है। और बाद में हमारा रोना होता है कि भाई हमारा स्लैब सर जी क्रैक हो गया, अभी 2 साल हुआ, 4 साल बना को हमारा स्लैब बैठ गया, हमारा कॉलम फट गया। तो आप लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्टील डालेंगे तो हमारा ज़्यादा मजबूती होएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ज़्यादा मजबूती नहीं होता है और नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बाजू में बने बेल आइकन की घंटी दबाना, जिससे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।